बेटा जेनेटिक्स में मेंडेलिज्म पढ़नी हम लोगों को, मतलब मेंडल ने जो जेनेटिक्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट दिए, जिन रूल्स को दिए, सबसे पहले जेनेटिक्स को उसने एक्सप्लोर किया इस दुनिया में, तो मेंडल के नाम पे हम लोग पूरी स्टडी करेंगे। मेंडल के द्वारा मेंडल ने कैसे काम किया, क्या तरीका था, किस तरह से वो एक्सप्लोर किया उन्होंने जेनेटिक्स के रूल, किस प्लांट पे काम किया, इसकी पूरी स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करते हैं। तो मेंडलिज्म मतलब मेंडल के टाइम की बात करने चल रहे हैं हम लोग। ये जो मेंडल है, अगर आप इनको देखें तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये 1822 में इनकी बर्थ हुई और 1884 में इनकी डेथ हो गई। मतलब 1822 से 1884 तक इस दुनिया में ये रहे। अगर आप इन्हें देखें तो इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। ये देखें, ग्रेगर जॉन मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका नाम है, ये देखें। और इन ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है इन्हें, क्योंकि जेनेटिक्स के रूल को सबसे पहले इन्होंने ही एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली जेनेटिक्स है क्या। रूल अप्लाई किया इन्होंने, लोगों को बताया कि कैसे इनहेरिटेंस होता है, कैरेक्टर्स का, ट्रेट्स का कैसे इनहेरिटेंस होता है एक जनरेशन से अगले जनरेशन में। अगर आप देखें तो इनकी मेंडल वाज बॉर्न इन, थोड़ी सी आप इनकी हिस्ट्री देख लें, मेंडल वाज बॉर्न इन ये देखें, सिलेसिया विलेज ऑफ ऑस्ट्रिया, ये देखिए सिलेसिया विलेज ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के सिलेसिया विलेज में 1822 को इनकी बर्थ हुई। 1822 में इनकी बर्थ हुई सिलेसिया विलेज में। ये विलेज जो है ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया में है, इस विलेज में इनकी बर्थ हुई। ये देखिए दूसरी बात, He become monk मतलब होता है वो व्यक्ति जिसको दुनिया से की मोह माया से फुर्सत मिल गई है। monk मतलब पादरी होता है, फ्री एकदम, जिसने दुनिया को छोड़ दिया हो, दुनिया से कोई मतलब ना हो, सब मोह माया है वाला कॉन्सेप्ट जी रहा हो, उसे हम लोग monk कहते हैं। He become monk in Augustinian ये देखिए अगस्तीनियन नर्सरी इन ऑस्ट्रिया। ये देखिए ऑस्ट्रिया की एक खास तरह की अगस्तीनियन चर्च है जहां पर ये आदमी मॉन्क बन गया। इन्होंने पहले मैथमेटिक्स की स्टडी की थी, बाद में इन्होंने नेचुरल साइंस की स्टडी की। ही वर्क्ड ऑन, ये देखिए ही वर्कड ऑन इस प्लांट पे काम किया जिस प्लांट का नाम पाइसम सेटाइबम है। ये पाइसम सेटाइबम पे इन्होंने काम किया, मटर के पौधे पे काम किया, और इस मटर के पौधे का सिंपल नाम गार्डन पी है। ये देखिए इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, ही वर्कड ऑन पाइसम सेटाइबम, इन्होंने इस पे काम किया। इनकी जो एक्सपेरिमेंटल ड्यूरेशन है, जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, इस पौधे पे, ये काम किया था 1856 to 1863। ये इस याद में लिखा है, पिछले साल नीट में पूछा गया था कि मेंडल ने अपना वर्क कितने साल तक पाइसम सेटाइबम पे किया जेनेटिक्स का, तो 1856 to 1863 इन्होंने वर्क किया। टोटल 7 ईयर इस पे एक्सपेरिमेंट किया इस पौधे के ऊपर, 7 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पाइसम सेटाइबम प्लांट पे। और पाइसम सेटाइबम प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट जब 7 ईयर किया, तो फिर उसके बाद ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स इन ब्रून सोसाइटी ऑफ
नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी या ब्रून, ये देखिए नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी या ब्रून, ये खास तरह का पेपर है जो शहर में बनता था, मतलब जिस पेपर में इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिश करवाया, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो में इन्होंने अपने पेपर को पब्लिश कराया, ये देखिए। और इनमें जब पेपर पब्लिश हुआ था ये टाइम था 1865 का, 1865 में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश कराया इस फाइंडिंग में, इस पेपर में जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो। और इनके जो पेपर का टॉपिक था, जिस टॉपिक पे इनके इसमें जो टॉपिक था वो था हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट्स, हाइब्रिडाइजेशन, ये देखिए इन प्लांट्स, हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में हाइब्रिडाइजेशन जो है इस पे इन्होंने काम किया, ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट्स ये। तो अब आप क्या क्या पढ़ना है आपको, एक तो इन्होंने ग्रेगर चार मेंडल जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, मेंडल ने मेंडल का बर्थ जो है सिलेसिया विलेज में हुआ ऑस्ट्रिया में, ये जो है ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रेलियन नर्सरी में ये जो है वहां पर मॉन्क बन गए, और उसके बाद अगस्तीनियन मॉन्स्ट इसका नाम है, अगस्तीनियन नाम है सॉरी, अगस्तीनियन नर्सरी में ये मॉन्क बन गए। और इन्होंने पाइसम सेटाइवम प्लांट पे काम किया, एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो पौधे पे किया 1856 टू 1863 किया, 7 ईयर तक। और इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स जो है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी या ब्रूनो, एक पेपर निकलता था उस शहर में वहां पे ये इस पे निकला, और उसमें इनके टॉपिक का नाम था हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट्स, ये काम किया। अब हुआ क्या, आगे की कहानी सुने आप, ये देखे मेंडल वाज टाइड, मेंडल वाज टाइड, मेंडल वाज टाइड इन 1884 ड्यू टू, मेंडल वाज टाइड इन 1884 ड्यू टू, ये देखिए ब्राइट डिजीज, ब्राइट डिजीज जो होती है किडनी की प्रॉब्लम है, तो ये किडनी की प्रॉब्लम है जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, मेंडल की डेथ 1884 में जो है हो गई ब्राइट डिजीज से, किडनी की डिजीज से इनकी डेथ हो गई। और पेपर कब निकला आप थोड़ा सा देखिए, 1864 से इन्होंने पेपर पब्लिश किया अपना, और इनकी डेथ जो है 1884 में हो गई, लेकिन इनके पेपर का कोई रिस्पांस नहीं आया, लोगों ने इसे कोई प्राय जो है मतलब प्रायोरिटी नहीं दी, कोई इन्होंने किसी व्यक्ति ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और मेंडल को अपने लगाए गए पेड़ पे मतलब अपने एक्सपेरिमेंट पे क्या रिस्पांस आया ये बिना जाने ही उस व्यक्ति की डेथ हो गई, उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। आप सोचिए उनकी डेथ कब हुई, 1884 में, तो आफ्टर 16 ईयर अगर आप देखें, मेंडल वर्क इज वर्क वाज हिडन, मेंडल वर्क वाज हिडन अबाउट 16 ईयर, 16 ईयर तक उसके वर्क जो है हिडन रहे, लेकिन ये जो 16 ईयर लिखा है ये कब लिखा है, उसकी डेथ के बाद, उसकी डेथ के बाद 16 साल बाद उसके रूल्स की रीडिस्कवरी हुई। रीडिस्कवरी का मतलब ये नहीं हुआ कि मेंडल के जो रूल थे ये जो पेपर थे उसको लोगों ने खोजा होगा, ऐसा नहीं था, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग प्लांट्स पर काम कर रहे थे, और प्लांट्स पे काम कर करके वो लोग अलग से रिसर्च कर रहे थे। तो अब यहां पर आप हेडिंग डालेंगे रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स रूल, ये देखिए रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स रूल, ये देखिए मेंडल्स के रूल्स की फिर से रीडिस्कवरी हुई, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स रूल, ये फिर से इनके रूल की डिस्कवरी हुई। कितने साल में, यहां 16 ईयर लिखा है तो ये टाइम है 1900 का, 1900 में कुछ लोग लगभग तीन लोगों ने मिलकर मेंडल के रूल की रीडिस्कवरी की। रीडिस्कवरी का सेंस ये हुआ कि ये जो तीन लोग हैं इनका पहले नाम आप देख लें, इनका सबसे पहला नाम है ये देखिए कार्ल कॉरेंस नाम है, ये कार्ल कॉरेंस है, ये जर्मनी के हैं, ये पहले साइंटिस्ट। दूसरा ह्यूगो डी ब्रीज है, ये देखिए ह्यूगो डी ब्रीज है, ये पोलैंड के हैं, या आप कह सकते हैं हॉलैंड के हैं,
हॉलैंड के हैं और तीसरा एरिक वॉन शर्मेक है। ये देखिए एरिक वॉन शर्मेक है, ये तीन लोग हैं जो अलग अलग प्लांट पे रिसर्च कर रहे थे। इन लोगों ने मेंडल के रूल्स की रीडिस्कवरी की। ये देखिए पहला नाम है कार्ल कॉयंस का जो जर्मनी का है, दूसरा ह्यूगो डी व्रीज है हॉलैंड के हैं, तीसरा एरिक वॉन शर्मेक है। ये लोग 1900 में मेंडल्स के रूल की रिस्कवरी कर रहे हैं। जैसे आप ये देखिए कार्ल कॉयंस का जो काम था, इनका जो काम था, ये काम कर रहे थे एक्सपेरिमेंट ऑन मेज प्लांट। ये देखिए एक्सपेरिमेंट ऑन मेज प्लांट, ये आदमी मक्के के पौधे पे काम कर रहा था। ये भी साइंटिस्ट है, इनका जो काम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट का नाम आप देखें इवनिंग प्राइम रोज, ये इवनिंग प्राइम रोज पे काम कर रहे थे। ये एक प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम पोइनोथीरा रेमार्कियाना है। एरिक वॉन शर्मेक है, इनका जो काम था एक्सपेरिमेंट ऑन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये देखिए एक्सपेरिमेंट ऑन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये तो ये लोग हैं जो मेंडेलियन रूल्स को फिर से रीडिस्कवर किए। रीडिस्कवर का सेंस हुआ कि ये लोग अलग अलग प्लांट पे काम कर रहे हैं और अलग अलग प्लांट पे काम करके ये लोग जो है जो मेंडल ने ये इस टाइम में जो डिस्कवरी की थी जेनेटिक्स के रूल्स की, ये इस टाइम जो डिस्कवरी की थी उन लोगों ने यही काम 1900 में किया। तीनों लोगों ने अलग अलग कंट्री के लोग हैं और अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग सब प्लांट पे रिसर्च कर रहे हैं। कॉल कॉरेंस मेज पे रिसर्च कर रहे हैं, ह्यूगो डी व्रीज इवनिंग प्राइम रोज पे रिसर्च कर रहे हैं, एरिक वॉन शर्मेक फ्लावरिंग प्लांट्स पे रिसर्च कर रहे हैं अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट्स पे। और इन लोगों ने आगे चल के जब अपनी अपनी रीडिस्कवरी की, मतलब अपने अपने प्लांट्स पे काम किया जिसपे रिसर्च कर रहे थे, तो इनको सेम फाइंडिंग्स मिली जो काम मेंडल ने 1856 से 1863 में कर डाला था, वही चीज इन लोगों ने रिसर्च की लगभग 34 ईयर। ये देखिए यहां लिख सकते हैं मेंडल वर्क वाज हिडन अबाउट 34 ईयर। तो देखिए अब यहां दो चीजें लिखी गई हैं। अगर आफ्टर 16 ईयर लिखा गया तब कहां से लिया जा रहा है, फ्रॉम डेथ लिया जा रहा है, मरने से, फ्रॉम डेथ मरने के से लेके और फ्री फाइंडिंग्स में 16 साल लगे। लेकिन ये जो 34 ईयर लिया जा रहा है, ये जो लिख रहे हैं ये है फ्रॉम पब्लिशिंग से, जिस दिन पेपर पब्लिश हुआ मेंडल का उस टाइम से ये लिया जा रहा है। तो आपको ये बात सीखनी है। बाद में कार्ल कॉयंस ने, ये जो आप कार्ल कॉयंस का नाम देख रहे हैं, इन्होंने मेंडल्स के रूल को फिर से फ्लोरा मैगजीन में पब्लिश किया। एक फ्लोरा मैगजीन थी उसपे मेंडेलियन रूल को फिर से कार्ल कॉयंस ने फ्लोरा मैगजीन में पब्लिश कराया। ये देखिए ये कब कराया, पब्लिश कराया, ये 1901 में कराया। तब जाके दुनिया को पता चला कि मेंडल ने इतनी बड़ी डिस्कवरी जेनेटिक्स की इसी टाइम में कर लिया था, 1856 से 1863 के बीच में वो कर डाले थे। आप सोचिए, तो ये बहुत बड़ी बात है यार। ये अगस्तिनियन मॉन्टेसरी लिख सकते हैं, यहाँ पर नर्सरी ना लिखे मॉन्टेसरी लिख सकते हैं। ये देखिए, तो ये मतलब आपको सोचो कि जो काम 1866 से 1863 में, मतलब मिड 19th सेंचुरी में जिसकी डिस्कवरी हुई थी वही चीज 20th सेंचुरी में शुरू हो गई। 1901 मतलब 20वीं शताब्दी शुरू हो गई है, मतलब मेंडल के डेथ के 16 साल बाद, 16 ईयर के बाद, और उसके पेपर पे पब्लिशिंग के 34 ईयर बाद जो चीज मेंडल ने पहले खोजा था वही इन तीन साइंटिस्टों ने अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्लांट पे रिसर्च करके वही सेम फाइंडिंग्स ली। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि आखिर मेंडल के ये रूल 16 ईयर्स तक हिडन क्यों रहे, आखिर ऐसा क्या था जो मेंडल ऐसा क्या नहीं कर पाए कि लोग इनके रूल्स को जान नहीं पाए। मतलब हमारा जो कार्य, हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि मेंडल के रूल्स 16 ईयर्स उसके डेथ के बाद
और 34 ईयर फ्रॉम द टाइम ऑफ पब्लिशिंग हिडन क्यों है, हम ये लोग सीखना चाहते हैं। ये बात एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है और हम चाहते हैं ये बात आप सीख जाएं। अब हम लोग देखेंगे कि मेंडल ने जो रूल दिया वो दिया, देखिए मेंडल ने जो रूल दिया, मेंडल पब्लिश हिज फाइंडिंग्स मेंडल पब्लिश हिज फाइंडिंग्स इन 1865 बट इट इज अनरिकॉग्नाइज्ड अंटिल 1900। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि मेंडल ने जो अपना पब्लिश किया पेपर वो 1865 ही पब्लिश कर दिया, ब्रून हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो में। लेकिन इसके रूल की जो डिस्कवरी की थी तीन साइंटिस्टों ने की, मैंने आपका नाम बताया, कार्ल कॉरेंस, एरिकॉन शर्मा और हिगो डुब्रीज। एरिकॉन शर्मा एक ऑस्ट्रिया का है, कार्ल कॉरेंस जर्मनी के हैं और हिगो डुब्रीज जो है वो हॉलैंड के हैं। इन लोगों ने रूल की डिस्कवरी की। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मेंडल का ये रूल लगभग 34 ईयर तक हिडन क्यों रहा, 34 ईयर तक ये रूल हिडन क्यों रहा, इसका क्या कारण है, क्यों साइंटिस्टों ने उस समय इस रूल पर ध्यान नहीं दिया 34 ईयर तक, अगर पब्लिशिंग से देखा जाए और डेथ से देखा जाए तो 16 ईयर तक। तो उसके रीजंस क्या है, काज क्या है। पहला रीजन आप देखें, पहला जो काज लोग कहते हैं, ये कहते हैं कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी एट दैट टाइम, उस समय इतना कम्युनिकेशन इजी नहीं था। एंड हिज पेपर वाज नॉट वाइडली पब्लिश्ड पहला कमेंट, पहला रीजन लोग ये कहते हैं कि जैसे आज कम्युनिकेशन है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, न्यूज़पेपर है, बहुत सारी एजेंसीज है, एनआई है, फटाफट आप कोई भी कहीं घटना देश में हो जाती है, दुनिया की किसी भी कंट्री में कोई भी घटना हो जाती है तो फट से आपको जानकारी मिल जाती है। उस समय ऐसा नहीं था जैसा आज कम्युनिकेशन है, ऐसा उस टाइम नहीं था। आप सोचो मिड 19th की बात हो रही है, मिड 19th में कम्युनिकेशन इतनी इजी नहीं थी, कम्युनिकेशन तो लेट 20th में शुरू हुई है। और उनका जो पेपर था, जो ब्रून हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो का जो पेपर था, वो कुछ लिमिटेड लोकेशंस पर जाता था, मतलब पेपर पूरी दुनिया में नहीं फैलता था। तो पहला कारण ये लोग कहते हैं कि इनकी पहली कमी तो यही रही, यही एक रीजन रहा, पहला बड़ा रीजन ये रहा कि कम्युनिकेशन की कमी थी, इसलिए मेंडल के इस पेपर को वाइडली पब्लिश नहीं किया गया। दूसरा अगर आप देखें, दूसरी बात अगर देखें, तो हिज कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स दैट इट इज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट। उनका ये जो कॉन्सेप्ट था कि जो फैक्टर या जीन है वो स्टेबल है और डिस्क्रीट यूनिट है, उसको एंड वन ऑफ पेयर ऑफ एलील डू नॉट ब्लेंड। ये बात जो उन्होंने कहा, एलील के जो पेयर है, जैसे दो, जैसे आप इस बात को समझे, कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में मिलते हैं, तो एफ1 जनरेशन में प्लांट कैसा आना चाहिए, टाल प्लांट आता है। लेकिन अगर हम लोग सोचे तो बड़ा पौधा छोटा पौधा मिले तो मिड ड्वार्फ होना चाहिए, ड्वार्फ पौधा सेमी ड्वार्फ प्लांट होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो फैक्टर्स है या एलील है उनकी ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, वो सेपरेटली ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसे आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो इस बात को उस समय के जो लोग थे किसी ने ये बात मानी नहीं, कोई डू नॉट कन्विंस्ड विथ हिज
with their या his contemporaries, with his contemporaries, मतलब ये हुआ कि उस समय जब मेंडल ने ये बात कही कि भाई देखिए फैक्टर या एलील जो है स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है जो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं और उनमें से जो पेयर ऑफ एलील्स है उनमें ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है ब्लेंडिंग नहीं हो रही, इस बात को उस टाइम के लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, मानने के लिए तैयार नहीं थे, कोई ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि एलील क्या है, जीन्स एलील फैक्टर जो भी आप कहें ये जो है स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है और जो पेयर है उनकी ब्लेंडिंग नहीं हो रही, ये बात कोई नहीं मान पा रहा है। पेयर ऑफ एलील, वन ऑफ द पेयर ऑफ एलील जो एलील है कैपिटल टी स्मॉल टी, इनकी ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, ये बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। अभी हम लोग इसको और क्लियर करेंगे। तीसरा एक बड़ा कारण दिखा गया, देखिए मेंडल यूज्ड मैथमेटिकल डाटा एंड एनालिसिस, मेंडल ने अपने जो है एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिकल डाटा का और एनालिसिस का यूज किया, मतलब मैथमेटिक्स का यूज किया। ये न्यू फॉर बायो ये बायोलॉजी के लिए सबसे पहली बात थी कि कोई बायोलॉजी में कहां से मैथमेटिक्स की एंट्री हो गई और ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल थी, उस समय के लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, ये भी एक बड़ा कारण था। आप सोचो कि कोई कहे कि मैथमेटिक्स में बायो में मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल डाटा का इस्तेमाल किया, उसने ए प्लस बी होल का होल स्क्वायर का इस्तेमाल किया, प्रोबेबिलिटी के रूल्स से अप्लाई किए, तो जब ये बात उसने अप्लाई की तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। तो तीन बड़े कारण हो गए, एक तो उसने ये कहा कि जो है उस समय कम्युनिकेशन इजी नहीं था, दूसरा जो एलील्स हैं या सॉरी या जो क्या कहते हैं फैक्टर्स हैं वो स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है जिनमें दो एलील की ब्लेंडिंग नहीं होती है, ये बात भी लोग मानने के लिए नहीं तैयार थे। और मेंडल ने अपने मैथमेटिकल डाटा और एनालिसिस का इस्तेमाल किया जेनेटिक्स के रूल में, इस बात को भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक चौथी बात और जिसे एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है, चौथा और फाइनल आर्ग्यूमेंट है, फाइनल है ये, कहते हैं कि जो फैक्टर्स आर डिस्क्रीट यूनिट्स, ये बात मेंडल ने कहा कि फैक्टर्स जो है डिस्क्रीट यूनिट्स हैं। मेंडल ने ये बात कही कि फैक्टर्स जो है डिस्क्रीट यूनिट है, लेकिन बट यहां लिखती है एनसीईआरटी बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन एनी फिजिकल प्रूफ फॉर दिस स्टेटमेंट। तो ये कारण था कि मेंडल डिस्क्रीट यूनिट है। लोगों ने उसे पूछा कि भाई मेंडल से लोगों ने पूछा भाई फैक्टर है क्या, किसके बने हुए हैं, क्या है फैक्टर, तो मेंडल ये बात भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जीन किसके बने हैं, कैसे काम करते हैं, ये बात भी मेंडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसका कारण था उसमें साइंस इतना डेवलप नहीं था, इतने ज्यादा टूल्स नहीं थे जितना आज साइंस में है, पहले ढेर सारे टूल्स थे इसलिए स्टडी करना आसान हो जाता था। तो एक बड़ा कारण है मेंडल के फेल्योर होने का ये। इसके सिवा अगर आप देखें तो एक बड़ा कारण और था, देखिए इसी समय डार्विनिज्म आई थी, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन आप जान लें, डार्विनिज्म भी इसी समय आई थी और उस समय के जो साइंटिस्ट थे वो नेचुरल साइंस के लोग थे, उसमें जेनेटिक्स का किसी को आइडिया ही नहीं था। मतलब मिड 19th में आप कह सकते हैं कि 1865 के आसपास नेचुरल साइंस के लोग दुनिया में ज्यादा थे, और जिस समय डार्विन ने अपने कॉन्सेप्ट को दिया 1860 के आसपास, उसी समय इस मेंडल ने भी अपने कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि दुनिया में नेचुरल साइंस के लोग ज्यादा थे इसलिए डार्विन के कॉन्सेप्ट को सब लोग जो है क्रिटिसाइज करने लगे और मेंडल के रोल पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। एनसीईआरटी ने ये चार कमेंट लिखे हैं कि मेंडेलियन रूल्स के हिडन होने के क्या कारण है। पहला कारण कि उस समय कम्युनिकेशन इजी नहीं थी इतनी जितनी आज है, दूसरी उसका जो पेपर है वाइडली पब्लिश नहीं हुआ, इसी में एक कमेंट भी पूरा आ गया है, दूसरा ये जो
फैक्टर्स हैं जो स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट हैं जो करेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, उनमें से उन फैक्टर्स की या एलील की ब्लेंडिंग नहीं होती। एक बात किसी ने मानने के लिए कोई तैयार नहीं था, उसने मैथमेटिकल डाटा किया और एनालिसिस का इस्तेमाल किया बायोलॉजी में, ये बात भी मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। उसने कहा फैक्टर्स जो है डिस्क्रीट यूनिट है, लेकिन मेंडल इसके लिए कोई फिजिकल प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये चार कारण एनसीईआरटी ने लिखे हैं जिसके कारण मेंडेलियन रूल उसके डेथ के 16 ईयर तक और फॉर द टाइम ऑफ पेपर फाइंडिंग्स पेपर पब्लिशिंग उससे 34 ईयर तक हिडन रहे और दुनिया इसके रूल को नहीं जान पाए। यह है कारण मेंडेलियन रूल्स के हिडन होने का। ये हम लोगों को देखना है कि मेंडल सफल क्यों हुआ, मेंडल के रूल्स को 16 ईयर आफ्टर 34 ईयर जब इन तीन साइंटिस्टों ने कार्ल कोरेंस ने और एरिक वान सरमेक ने और जो है ह्यूबर्ट ग्रीस ने एक्सप्लेन किया दुनिया के सामने, तो मेंडल के रूल्स को दुनिया ने फिर तब क्यों माना, इसका क्या कारण है, इसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप रीजंस देखें तो सबसे पहले ही स्टडीड, ये देखिए सबसे पहला बड़ा काम मेंडल ने जो किया था, ही स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ वन आर टू करेक्टर्स एट सेम टाइम। ये देखिए वन आर टू करेक्टर्स एट सेम टाइम। मेंडल ने एक समय में या तो एक करेक्टर के लिए कोई स्टडी किया तो उसे हमने मोनोहाइब्रिड काम कहा, क्रॉस कहा, दो करेक्टर को लेके क्रॉस किया तो डाईहाइब्रिड क्रॉस कहा। तो मेंडल ने दो से ज्यादा करेक्टर को लेके कभी प्रैक्टिस नहीं की, मतलब ये तो एक ही करेक्टर के लेके क्रॉस कराया या तो दो ही करेक्टर को लेके क्रॉस कराया, इससे ज्यादा उसने कभी प्रयास नहीं किया। जबकि अगर आप इसके पहले देखें, इसके पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम कोलरियूटर है, ये देखिए कोलरियूटर है, इन्होंने टोबैको प्लांट पे रिसर्च करने का प्रयास किया था, इसके पहले ही इन लोगों ने प्रयास किया था। दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम घोष करके है, इन्होंने जो है दूसरे प्लांट पे काम किया था, मतलब इन लोगों ने, ये जो कोलरियूटर है या जो बॉस है, इन लोगों ने एक बार में कई करेक्टर के लोग क्रॉस कराने का प्रयास किया। तो जब आप कई करेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं तो स्टडी करना कठिन हो जाता है, मतलब उसको सॉल्व करना समझना बहुत टफ काम हो जाता है। लेकिन मेंडल ने ये काम अच्छा किया कि मेंडल जो है उसने इनहेरिटेंस ऑफ वन या तो एक करेक्टर को लेकर क्रॉस कराया या तो दो करेक्टर को लेकर क्रॉस कराया, इससे ज्यादा उसने कभी प्रयास नहीं किया। दूसरा अगर आप देखें तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, ये भी एक बड़ी बात है। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, मटेरियल मतलब उसने जो पी प्लांट पे काम किया था, मतलब मटर के पौधे पे काम किया था, उसने ये भी काफी सही काम किया। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल उसने किस प्लांट पे काम किया था, अगर आपको याद होगा मैंने अभी पढ़ाया कि मेंडल ने इस पौधे पे काम किया जिस पौधे का नाम पाइसम सेटाइपम है। आखिर इसी पौधे को मेंडल ने अपने मटेरियल को, मतलब एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्यों चूज किया, अगर आप देखें तो ये देखिए सबसे पहला कारण है कि पी प्लांट जो होता है, पी प्लांट इज एनुअल, ये एक एनुअल प्लांट है। और ये देखिए इट्स लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इन 2 to 3 month, मतलब मटर का पौधा जो है इसमें ये एक एनुअल प्लांट है और इसकी लाइफ साइकिल 2 से 3 महीने में पूरी हो जाती है। तो 2 से 3 महीने में स्टडी करना ऑफ स्प्रिंग्स की ज्यादा होती है, आसान होता है इजी करना। ये देखिए दूसरी बात है लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स एंड वेरिएशन। ये देखिए मटर के पौधे में जो आप स्प्रिंग्स होती हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, तो इस आधार पर उनकी वेरिएशन और ऑफ स्प्रिंग की स्टडी करना भी इजी होता है, ये एक बड़ा कारण है। तीसरा देखिए मटर के पौधे में, ये देखिए नेचुरल पॉलिनेशन पाया जाता है, ये देखिए नेचुरल पॉलिनेशन is present in pea plant, natural pollination is
प्रेजेंट इन पी प्लांट, ये देखिए नेचुरल पॉलिनेशन इज प्रेजेंट इन पी प्लांट। पी प्लांट में नेचुरल पॉलिनेशन पाया जाता है, इससे इसको आर्टिफिशियल, सो यहां पर लिख सकते हैं सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन artificial hybridization can be performed in pea plant। ये देखिए तो पहला बड़ा कारण हो गया कि मटर का प्लांट एनुअल प्लांट है जिसकी लाइफ साइकिल 2 से 3 महीने में पूरी हो जाती है, तो आप एक जनरेशन की स्टडी 2 से 3 महीने पूरी कर लेंगे कम समय में, ज्यादा जनरेशन ज्यादा जल्दी हम लोग रिपीट करके एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरी बात है कि संतानों की संख्या ज्यादा होती है, एक ही मटर पौधे से ढेर सारे जो है मटर मिल जाती हैं, तो उन्हें वेरिएशन भी दिख जाती है, इसलिए इस पे काम करते हैं। मटर में जो है बाइसेक्सुअल प्लांट है, इसलिए नेचुरल पॉलिनेशन भी देखने को मिल जाता है, और बाइसेक्सुअल प्लांट है तो उसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी इजी हो जाता है। एक चीज और आप देखें, इजी टू कल्टीवेट एंड हैंडलिंग, क्योंकि इसकी साइज छोटी है इसलिए इसको कल्चर कल्टीवेट करना और इसको हैंडल करना भी आसान होता है। ये देखिए मटर के पौधे को हैंडल करना भी और कल्टीवेट करना भी दोनों आसान काम होता है, इसलिए उसने मटर के पौधे को इस्तेमाल किया अपने सिलेक्शन मटेरियल के लिए, मतलब एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के लिए। तो क्या क्या खास बात है, लाइफ साइकिल 2 से 3 महीने में पूरी हो जाती है, संतानों की संख्या ज्यादा है, वेरिएशन देखने को मिलता है, नेचुरल पॉलिनेशन दिखाई पड़ता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं, और इजी टू कल्टीवेट एंड हैंडलिंग, इसको कल्टीवेट करना हैंडल करना आसान काम होता है मटर के प्लांट को, इसलिए मेंडल ने इस प्लांट को चुना। अच्छा, इसमें एक बात और है, म्यूटेशन नहीं होता है, लिंकेज नहीं होती है, इसलिए मेंडल ने इस प्लांट को चुना। तब उसे जानकारी भी नहीं थी म्यूटेशन के बारे में, म्यूटेशन तो ईगो डी ब्रिज ने यह कॉन्सेप्ट लिया। इसके बाद अगला देखें, ये एक कॉन्सेप्ट है मेंडल स्टडीड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव करेक्टर। क्या गजब का कमेंट है, ये एनसीईआरटी लिखा हुआ है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव करेक्टर, क्वालिटेटिव करेक्टर की क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी उसने ट्रेड्स या करेक्टर्स उसने मतलब सिलेक्ट किए थे उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस किए। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब क्या हुआ, मान लीजिए पहले F1 हाइब्रिड देखा, F1 हाइब्रिड मान लीजिए 1500 सीड आए, तो 1500 सीड की क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, उसकी राउंड रिंग यील्ड क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। तो उसने क्वालिटेटिव एनालिसिस की, क्वालिटेटिव करेक्टर की क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, फिर से सुने, क्वालिटेटिव करेक्टर की क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, ये बड़ी अच्छी काम किया। मतलब सब पौधों को शीट को इकट्ठा करता होगा, उसे काउंट करता होगा, फिर अलग करके रखता होगा करेक्टर के आधार पर। ये बहुत बहुत टफ काम है, और मिड 19th में ये काम करना बहुत ही टफ काम है। आप सोच नहीं सकते हैं, मिड 19th की बातें हम लोग 2020 में नहीं सीख पा रहे हैं, 2021 में नहीं सीख पा रहे हैं, सोचो आज से कितने साल पुरानी घटना है, जिस आदमी ने काम किया वो बात आज हम नहीं सीख पा रहे, हम सिर्फ से पढ़ रहे हैं। सोचो कितना तेज दिमाग का आदमी रहा होगा मेंडल जिसने ये काम किया। और एक बात बड़ी उसने किया, ही यूज्ड डेटा ऑफ ऑल करेक्टर्स, जितने भी करेक्टर्स का उसने इस्तेमाल किया उसका उसने सारा डेटा तैयार किया। कभी कोई काम उसने पेपर वर्क नहीं किया, पेपर वर्क तो किया ही, लेकिन पहले उसने डेटा तैयार किया, चीजों को समझा, अच्छे से सीखा, और उसके प्रॉपर मैथमेटिक्स इस्तेमाल करके डेटा बनाया कि भाई इतने टाल और इतने ड्वार्फ प्लांट को हमने क्रॉस कराया, इतने सीड आए, फिर इनकी सेल्फिंग कराई, जो जनरेशन में इतने सीड आए, ऐसे करके उसने लगातार क्रॉस कराया, और उसने अपने जनरेशन में अपने इसमें सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स में एक्सपेरिमेंट के लिए पाइसम सटाइबों का इस्तेमाल, ये सारे कारणों से किया। और ये मेन रीजन है जिनके कारण मेंडल सफल रहा। एक तो सबसे बड़ी बात, उसने एक बार में एक या दो करेक्टर की इनहेरिटेंस को देखा, ये मटर के पौधे का इस्तेमाल तो उसने किया, ये भी एक बड़ी बात है। और मेंडल ने जो है
क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर पे काम किया और उसने सारे कैरेक्टर पे जो रिसर्च के जो रिजल्ट आते थे उन सारे रिजल्ट्स को उसने पूरे डेटा के सहित स्टोर किया, समझा, सारी इंफॉर्मेशन को नोट किया और पेपर वर्क भी किया। इसके पहले किसी आदमी ने नहीं काम किया था। ये लोग जो थे, जैसे अभी आप देखिए एक नाम है कोलोरेटर का, नाम है टोबैको प्लांट पे काम किया, ये भी जेनेटिक्स पे काम कर रहे थे मेंडल के पहले, लेकिन इन्होंने एक बार में कई कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के बारे में सोचना शुरू कर दिया, इसलिए कोलोरेटर जो है फेल कर गए, ये इस बात को समझ नहीं पाए, इससे मिस्टेक हो गई। ये मेंडल का वर्क है जिसको एनसीआरटी ने एक्सप्लेन किया है। मेंडल ने जो काम किया, एक तो उसने 7 कैरेक्टर्स पे काम किया, ये पहले लिखा मैंने, ये देखिए, तो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, देखिए मैंने यहाँ नेम ऑफ कैरेक्टर लिखा है, लेंथ ऑफ प्लांट, फ्लावर की पोजीशन उस मटर के पौधे में, शेप ऑफ पॉट, कलर ऑफ पॉट, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ कॉटिलीडन और कलर ऑफ फ्लावर, ये 7 ऐसे कैरेक्टर हैं और ये इनके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, ये देखिए कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। तो F1 जनरेशन में जो दिखता है उसे डोमिनेंट कहते हैं, जो छिपा रहता है उसे रिसेसिव कहते हैं। तो अगर आप देखा जाए 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, मतलब 14th ट्रेट्स हुए, 7 ये डोमिनेंट हुए और 7 ये जो है रिसेसिव हुए। तो अगर आप देखें तो लेंथ ऑफ प्लांट का डोमिनेंट जो ट्रेट है या डोमिनेंट करेक्टर है, टाल है, ये ड्वार्फ है। फ्लावर पोजिशन का एक्सियल टर्मिनल है। शेप ऑफ पॉड का इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड है। कलर ऑफ पॉड का ग्रीन येलो है। शेप ऑफ सीड का राउंड रिंकल्ड है। कलर ऑफ कॉटिलीडन का येलो ग्रीन है और ये देखिए कलर ऑफ फ्लावर का वायलेट और व्हाइट है। इनमें क्रोमोसोम की लोकेशंस अगर आप देखें तो ये देखिए क्रोमोसोम्स की लोकेशन दिखाई गई है। लेंथ ऑफ प्लांट, फ्लावर पोजिशन, शेप ऑफ पॉड, इन तीन करेक्टर्स हैं, ये 4 नंबर के क्रोमोसोम पे दिखाई पड़ते हैं। देख लें, लेंथ ऑफ प्लांट, फ्लावर पोजिशन, शेप ऑफ पॉड, 4th नंबर के क्रोमोसोम पे सब पड़े हुए हैं। फिर देखिए कलर ऑफ पॉड जो है वो 5th नंबर पे है, शेप ऑफ सीड 7th नंबर पे है, कलर ऑफ कॉटिलीडन और कलर ऑफ फ्लावर वो 1st नंबर के क्रोमोसोम पे है। इस तरह से अगर आप देखें तो जितने भी, देखिए यहां लिख सकते हैं ऑल 7 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। ऑल कैरेक्टर का मतलब यहां पर 7 कैरेक्टर्स हैं। ऑल कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन 4 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, 4 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ये देखिए क्रोमोसोम्स। अगर आप देखें तो ये कौन कौन से क्रोमोसोम्स नंबर हैं, देखिए अगर आपको याद करना हो तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं 1457 के फार्मूले से। 1457 का मतलब क्या हुआ, 1457 कि मेंडेलियन, अगर मतलब वो लोकेशन तो पूछेगा नहीं आपसे, बस इतना ही पूछेगा किस किस नंबर के क्रोमोसोम के पड़े हुए ये जो करेक्टर्स हैं, किस किस नंबर के क्रोमोसोम पे पड़े हैं। फार्मूला आप याद कर लीजिए 1457। ये देखिए एक नंबर के क्रोमोसोम पे 2 करेक्टर्स हैं, 7 नंबर के क्रोमोसोम पे केवल 1 करेक्टर है होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, 5 नंबर पे केवल 1 करेक्टर है, लेकिन ये देखिए 4th नंबर पे 3 अलग अलग करेक्टर्स जो है पड़े हैं। तो इस तरह से ये जो 7 करेक्टर्स हैं ये 4 होमोलॉगस क्रोमोसोम से पड़े हुए हैं, 4 7 जो है पड़े हुए हैं। एक बात आपको और देखना है, यहाँ पर एक टर्म होता है, जैसे आप ये देखिए एक जीन होता है उसे हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। प्लियोट्रॉपिक जीन माने पहले आप समझे फिर इसका एग्जाम्पल यहां पर देख लें। प्लियोट्रॉपिक जीन मतलब ये हुआ, देखिए when a single gene controls, ये देखिए when a single gene controls many characters, जब एक ही जीन कई करेक्टर को कंट्रोल करता है तो इस तरह के जीन को हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। जब एक ही जीन, जनरली एक जीन एक करेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीन हैं जो एक से ज्यादा करेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो इस तरह के जीन को हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। अगर आप यहां पर एग्जाम्पल्स देखें तो यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल है कि ये देखिए प्लियोट्रॉपिक जीन का,
एक जीन यहाँ पर है जिसे हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन कह रहे हैं। ये जीन जनरली एक करेक्टर को कंट्रोल न करके यहाँ पर दो करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर मेंडेलियन जेनेटिक्स में जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, एक तो एक जीन है जो कलर ऑफ फ्लावर को कंट्रोल कर रहा है। ये देखिए, कलर ऑफ फ्लावर को कंट्रोल कर रहा है, ये एक जीन तो ये हो गया जो कलर ऑफ फ्लावर को कंट्रोल कर रहा है। और दूसरा ये सीड कोट कलर को कंट्रोल कर रहा है, जो सीड का कोट कलर है उसे कंट्रोल कर रहा है। तो अब बताइए जीन कितना है, एक सिंगल जीन है जिसका नाम हमने प्लियोट्रॉपिक जीन रखा है। और ये जीन जनरली एक कैरेक्टर को कंट्रोल न करके यहाँ पर देखिए कलर ऑफ फ्लावर को कंट्रोल कर रहा है और सीड कोट कलर को कंट्रोल कर रहा है। मतलब फ्लावर के कैरेक्टर, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्लावर के कलर को और सीड के कोट के कलर को एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है। फिर से आप क्लियर कर लें कि फ्लावर के कलर को और सीड के कोट के कलर को एक ही जो जीन है वो कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इस तरह के जीन को हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन कह रहे हैं। ये जो जानकारी है जो आपने लिखा है कि 1457 पे, ये इंफॉर्मेशन जो है, एक साइंटिस्ट है उनका नाम यस व्लिक्स्ट है, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने ये इंफॉर्मेशन बाद में एक्सप्लेन की कि मेंडेलियन जो ये कैरेक्टर्स हैं ये चार अलग अलग क्रोमोसोम पे पड़े हुए हैं। चार नंबर के क्रोमोसोम पे तीन करेक्टर हैं, पांच नंबर के क्रोमोसोम पे एक करेक्टर है, सेवन नंबर के क्रोमोसोम पे भी एक करेक्टर है, लेकिन फर्स्ट नंबर के क्रोमोसोम पे दो करेक्टर है जो पड़े हुए हैं। और इस तरह से आप देखिए फोर होमोलॉगस क्रोमोसोम पे ये सेवन करेक्टर पड़े हैं मटर के पौधे में, पी प्लांट में। और प्लियोट्रॉपिक वाले जीन हुआ जब एक जीन एक से ज्यादा करेक्टर को कंट्रोल करता है तो उसे हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखें जो यहाँ पर चार्ट बना हुआ है कि कलर ऑफ फ्लावर को और सीड कोट कलर को, सीड कोट कलर को जो है यहाँ पर जो जीन कंट्रोल कर रहा है उसे हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन कह रहे हैं। कौन सा जीन कह रहे हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन कह रहे हैं। ये बात सीखनी है आपको। तो ये मेंडल के वर्क है, उसने अपने एक्सपेरिमेंट में लगातार जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव करेक्टर किया तो उसने पूरे ये देखिए जेनेटिक्स में सारी जानकारी उसने निकाली, एक एक प्लांट की, एक एक करेक्टर की एनालिसिस की उसने। उसने सबसे पहले प्योर लाइन डेवलप की, प्योर लाइन मतलब होमोलॉगस करेक्टर को डेवलप किया। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आपसे करेक्टर्स पूछे तो आप सेवन टिक करेंगे, सेवन करेक्टर्स हैं, लेकिन अगर आपसे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स पूछे तो सेवन पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। ये सेवन कंट्रास्टिंग ट्रेट नहीं बल्कि सेवन पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट है। सेवन पेयर मतलब जैसे देखिए कि लेंथ ऑफ प्लांट का वन पेयर हुआ टाल और ड्वार्फ, डोमिनेंट और रिसेसिव। लेंथ ऑफ प्लांट का क्या हुआ? टाल और ड्वार्फ, डोमिनेंट रिसेसिव। तो सेवन पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं और सेवन करेक्टर्स हैं जिसकी एनालिसिस की बात एक ही हुई। चाहे वो सेवन पेयर पूछे तो दोनों को देखना है, और अगर सेवन करेक्टर पूछता है तो आपको ये करेक्टर्स देखने हैं, किस क्रोमोसोम पे कौन सा करेक्टर पड़ा हुआ इसकी एनालिसिस किया है। और प्लियोट्रॉपिक जीन मतलब हुआ वो जीन जो एक से ज्यादा करेक्टर्स को कंट्रोल करता है, उस जीन को हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। यहाँ पर जो जीन है वो कलर ऑफ फ्लावर को सीड के कोट के कलर को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन्स कहते हैं। एक बात और देखिए, कोई सीड अगर रिंकल्ड सीड है, रिंकल्ड सीड मतलब क्या हुआ? रिंकल सीड मतलब अगर अब हुआ कोई सीड ऐसा है इसमें एक एंजाइम जो अब्सेंट है, इस एंजाइम का नाम है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। ये एंजाइम है जिसका नाम है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, जो इसमें अब्सेंट है, ये एंजाइम इसमें अब्सेंट है, इसलिए इसका जो शेप है वो रिंकल्ड शेप है। ये देखिए, तो आपको अभी फिलहाल ये देखना है, इस टेबल को एनसीईआरटी ने अच्छे से डिस्कस किया है, बस एनसीईआरटी ने कमी छोड़ दी है, आप कमी समझ लें। एनसीईआरटी ने ये बात एक्सप्लेन नहीं की है, ये वाली किस नंबर पे कौन सा क्रोमोसोम है, याद करने का तरीका बताया। इसको आप 4571 मत याद करिए, इसको याद करिए 1457, ऐसे आपको याद हो जाएगा। 1457 मतलब जो सेवन करेक्टर्स थे वो चार होमोलॉगस क्रोमोसोम में पड़े हैं। उन होमोलॉगस क्रोमोसोम की संख्या क्या है? वन नंबर का है, फोर नंबर का है, थ्री नंबर का है, सेवन नंबर का है। अभी आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कि किस नंबर के क्रोमोसोम पे कौन सा करेक्टर है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आप पूरी जानकारी रख लें ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए।